सारे जिसकी गर्दे राह हूँ वो कारवा तू है बसमीम् अल्लाम एवरी वन आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम वेलकम यू ऑल इन मैथ्स क्लास दिस इज़ योर सेशन नंबर थ्री एंड टुडे द टॉपिक इज़ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ओके जी लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स सबसे पहले हम देख लेते हैं मल्टीपल्स के बारे में सो वट आर मल्टीपल्स द मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ ऑप्टेंड बाई मल्टीप्लाइंग इट विद अनादर नंबर ठीक है जी यानी कि आपके पास कोई भी दो नंबर हों कोई भी टू नंबर्स आप ले लें उनको मल्टीप्लाई करें आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू गेट अ नंबर ठीक है जी जैसे मैं टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री ले लूँ तो टू थ्रीजा सिक्स ठीक है मैंने टू और थ्री दो टू नंबर्स लिए उनको मल्टीप्लाई किया सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग आई गेट अ नंबर सिक्स सो सिक्स इज़ द मल्टीपल ऑफ टू एंड थ्री ठीक है यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख लीजिए वन मल्टीप्लाइड बाई ट्वेल्व कि हमने यहाँ पे ट्वेल्व के मल्टीपल्स बताने हैं मल्टीपल्स में आपने वो होल टेबल राइट करना होता है ठीक है जी अब जैसे यहाँ पे हमें ट्वेल्व के मल्टीपल्स बताने हैं तो ट्वेल्व वन और ट्वेल्व यानी कि कोई भी टू नंबर्स ले ले आपने उनको मल्टीप्लाई किया यू गेट अ प्रोडक्ट सो दिस ट्वेल्व इज़ द मल्टीपल सो ट्वेल्व टू जर अब आपने सीक्वेंस के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है ट्वेल्व टू ज़ा ट्वेंटी फोर ट्वेल्व थ्री जॉ थर्टी सिक्स ट्वेल्व फोर ज़ा फोर्टी एट ठीक है जी अब आपने ना यू हैव ट्वेल्व ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स एंड फोर्टी टू आर द मल्टीपल्स ऑफ ट्वेल्व दीज आर फर्स्ट फोर मल्टीपल्स आप फाइव नंबर पे देखें सिक्स सेवन एट नाइन टेन आपके पास बहुत से मल्टीपल्स मिलते जाएंगे ठीक है जी अब फैक्टर्स क्या है फैक्टर्स आर द नंबर्स दैट आर मल्टीप्लाइड टू गेट अ गिवन नंबर राइट अब फैक्टर्स हमारे पास क्या होंगे कि जैसे आपने ट्वेल्व के ही फैक्टर्स बताने हैं तो आप देख लो कि ट्वेल्व किस किस नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होगा यानी कि उसका रिमाइंडर ज़ीरो होना चाहिए राइट right? आप स्टार्ट हमेशा वन से करते हो ठीक है जी सो वन मल्टीप्लाइड बाई ट्वेल्व दैट इज इक्वल्स टू ट्वेल्व तो उसके वन के बाद टू अब टू सिक्स जर ट्वेल्व होगा ठीक है जी टू के बाद हमारे पास थ्री थ्री फोर जर ट्वेल्व राइट एंड इसी तरह फोर सिक्स ट्वेल्व ऑल दीज आर द फैक्टर्स ऑफ ट्वेल्व ठीक है जी यानी कि वन टू थ्री फोर सिक्स एंड ट्वेल्व दीज आर द फैक्टर्स ऑफ ट्वेल्व आगे हम फर्दर एग्जाम्पल्स करेंगे उसमें मैं आपको बताऊँगी कि फैक्टर्स कैसे फाइंड किए जाते हैं ओके फैक्टर्स इंड मल्टीपल्स में सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं मल्टीपल्स के बारे में सो मल्टीपल्स आर वॉट यू गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय एन इंटीजर फॉर एग्जाम्पल आपके पास टू नंबर्स हैं थ्री एंड फोर दिज आर द फैक्टर्स ठीक है जी आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया यू गेट अ प्रोडक्ट यू गेट अ ट्वेल्व सो दिस इज द मल्टीपल ठीक है जी थ्री एंड फोर बोथ आर द फैक्टर्स ओके इज ट्वेंटी सेवन अ मल्टीपल ऑफ थ्री अब हमने यहाँ बताना है क्या ट्वेंटी सेवन मल्टीपल है थ्री का ओके सो थ्री इज़ द फैक्टर ऑफ ट्वेंटी सेवन क्यों ट्वेंटी सेवन का फैक्टर है थ्री बिकॉज uh, जो ये ट्वेंटी सेवन एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है थ्री से रिमाइंडर ज़ीरो होगा ठीक है जी अब मल्टीपल में हम देख लेते हैं थ्री नाइन जो ट्वेंटी सेवन सो ट्वेंटी सेवन कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाई थ्री सो ट्वेंटी सेवन इज़ द मल्टीपल ऑफ थ्री एग्जैक्टली जब डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ हमारे पास आंसर ज़ीरो आया रिमाइंडर सॉरी रिमाइंडर इज़ ज़ीरो एंड द क्वेश्चन इज़ नाइन जब भी कोई नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा रिमाइंडर ज़ीरो होगा तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर इस जो डिवाइजर है उसका मल्टीपल है इज ट्वेंटी सिक्स इज़ द मल्टीपल ऑफ थ्री अच्छा जी अब आप देखिए कैन ट्वेंटी सिक्स भी डिवाइडेड बाई एग्जैक्टली थ्री अब क्या हम ट्वेंटी सिक्स को एग्जैक्टली exactly थ्री से डिवाइड कर सकते हैं नो no, क्योंकि ट्वेंटी सिक्स नहीं आ सकता थ्री के टेबल के ऊपर थ्री एट द ट्वेंटी फोर नाउ रिमाइंडर इज़ थी। टू ठीक है अब देखिए सिक्स में से आपने फोर माइनस किया तो रिमाइंडर टू आ जाएगा इट मीन्स कि ट्वेंटी सिक्स जो है इज़ इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ थ्री ओके दिस एग्जाम्पल इज़ फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर थर्टी थ्री वाट आर द फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल्स ऑफ सिक्स एंड नाइन लिस्ट द फर्स्ट ट्वेल्व मल्टीपल्स ऑफ सिक्स एंड नाइन आपने क्या राइट करना है मल्टीपल्स ऑफ सिक्स ठीक है जी फर्स्ट थ्री कॉमन बताने हैं मल्टीपल्स लेकिन राइट आपने फर्स्ट ट्वेल्व मल्टीपल्स करने हैं मल्टीपल्स ऑफ नाइन में हम सिक्स के टेबल को पहले राइट करेंगे सिक्स वन जा सिक्स सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व सिक्स थ्री ज़ा एटीन सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर सिक्स फाइव ज़ा थर्टी सिक्स सिक्स ज़ा थर्टी सिक्स इसी तरह हमने ट्वेल्व तक राइट करना है नाइन में भी आपने इसी तरह से राइट करना है ठीक है जी नाइन के टेबल में भी आप ट्वेल्व तक राइट करोगे फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल्स कॉमन मीन्स के दोनों टेबल्स के अंदर वो नंबर होना चाहिए जैसे आप देखें एटीन एटीन थर्टी सिक्स एंड थर्टी सिक्स फिफ्टी फोर एंड फिफ्टी फोर ठीक है इससे आगे भी कुछ नंबर कॉमन हो सकते हैं लेकिन हमने जस्ट फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं कम टू पेज नंबर थर्टी वन ऑन योर वर्कबुक ठीक है जी लिस्ट द फर्स्ट ट्वेल्व मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स अब आपके पास गिवन नंबर्स हैं थ्री फाइव एंड एट आपने जस्ट इनके मल्टीपल्स राइट करने हैं सबसे पहले आप थ्री का पूरा टेबल राइट करेंगे फिर फाइव का फिर इसी तरह आप एट के मल्टीपल्स राइट करेंगे ओके okay, जी पार्ट बी क्वेश्चन नंबर फाइव पेज नंबर थर्टी टू के ऊपर होगा मल्टीपल्स ऑफ़ फ़ाइव एंड मल्टीपल्स ऑफ सिक्स आपने मल्टीपल्स बताने हैं लेकिन कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं फाइव एंड सिक्स के दैट आर लेस देन सेवेंटी कौन से होंगे पहले आप फाइव के मल्टीपल्स राइट कर लें फिर आप सिक्स के मल्टीपल्स राइट कर लें आप दोनों में आपने कॉमन मल्टीपल्स लेने हैं लेकिन वो कॉमन लेने हैं जो लेस देन सेवेंटी हों ठीक है जी आप देखिए यहाँ पे थर्टी एंड थर्टी एंड देन सिक्सटी And 60. Both are less than 70. So you can write here, these are the common multiples of 5 and 6. Okay, Ji. Question number 5, C, D, and E parts to yourself. This is page number 33. Hope so you can do uh, your home task easily. So do page number 31 and thir till 34 on workbook 4A. Okay, students, thank you so much. Laha face.